गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम पे स्वागत करता हूं। और जी हां, मैं आज उस वीडियो के साथ आया हूं जिसमें बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि आने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा, जो कि लगभग 8,000 के आसपास प्रस्तावित भर्ती हैं राजस्व परिषद के द्वारा और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, उसमें CCC का सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा या नहीं, मतलब अन्य शैक्षणिक अर्हताओं के साथ इसकी अर्हता जरूरी है या नहीं, इस विषय पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा और आप लोगों का ये जो डाउट है इसको मैं क्लियर करने वाला हूं यहां पर। तो देखिए क्या है कि अभी तक राजस्व परिषद ने CCC की जो सर्टिफिकेट है या CCC की परीक्षा को अनिवार्य अर्हता देने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नियमावली में बदलाव करके ये प्रस्ताव जो है शासन को यानी कि कैबिनेट सरकार को भेज दिया है, और इस पर पॉजिटिव वे में यानी हाँ की मंजूरी लेने का जो कार्यवाही है वो शासन स्तर पर बहुत तेजी से चल रही। यानी अल्टीमेटली आप ये समझ सकते हो कि लेखपाल की जो आगामी भर्ती परीक्षा होगी PET, जिसका कि पहला चरण था, और अब मुख्य चरण के लिए जो लेखपाल की आगामी भर्ती लगभग 8,000 वैकेंसी के आसपास काफ़ी लंबे समय से लंबित चली आ रही हैं, उस पर CCC जो होगा सर्टिफिकेट वो अनिवार्य रूप से अर्हता के रूप में अन्य शैक्षणिक अर्हताओं के साथ शामिल किया जाएगा। तो जितने भी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न था कि CCC लेखपाल की भर्ती परीक्षा में अनिवार्य होगा या नहीं होगा, मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ, अगर आपके पास CCC नहीं है तो हर महीने CCC के फॉर्म आते हैं, नेक्स्ट 2 मंथ में एग्जाम हो जाता है, तो जब तक ये परीक्षा होगी तब तक आप CCC कर चुके हो। अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत फॉर्म भर के पेपर की तैयारी कर लीजिए। दूसरी बात, अभी तक PET की जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसके बाद मुख्य परीक्षा में सिर्फ ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी की वैकेंसी को घोषित किया गया। इसकी वैकेंसी लंबित है लेकिन अभी घोषित नहीं हुई है। तो याद रखिएगा, अगर आप लेखपाल की परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा होनी है उसमें अगर आप अपनी सीट को या अपनी वैकेंसी को अश्योर करना चाहते हैं तो आपके पास CCC होना जरूरी है। जिन बच्चों के पास नहीं, वो प्लीज़ इसका फॉर्म भर के पेपर दे दें। धन्यवाद।